दोस्तों आज है धनतेरस का दिन, तो फाइनली आज की इस वीडियो में मैं एक नई गैजेट की अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को बॉक्स दिखाना चाहूँगा। तो यहाँ आप लोग देख पा रहे हो, ये है बॉक्स और यहाँ है मेरा HP लैपटॉप जो कि मैंने ऑनलाइन मंगाया हुआ है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने इसी बॉक्स की अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। मैंने YouTube इनकम से परचेस किया हुआ है दोस्तों, पूरी तरह से मेरे घर से इसमें कोई भी पैसा नहीं लगा हुआ है, ओनली ऑन YouTube की इनकम से। तो यदि आपको इसकी प्राइस जानना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वो डायरेक्टली आपको Amazon के साइट पे ले जाएगा। वहाँ से आप चाहो तो इस लैपटॉप को परचेस कर सकते हो और इस लैपटॉप की प्राइस भी पता लगा सकते हो कि ये कितने रुपए की है। तो ये अनबॉक्सिंग वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक तो ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए इस तरफ से हम जो है कि इस बॉक्स को ओपन करते हैं। तो इसके अंदर ये इसकी स्पेसिफिकेशन, इसकी प्राइस है जो कि मैं आप लोगों को दिखाना नहीं चाहूँगा। यहाँ पूरा मेरा एड्रेस है, यहाँ आप लोगों को देखने को मिलेगा। सर फोकस नहीं कर पा रहा है, यहाँ मेरा विलेज का नाम है ये। तो ये सारी चीज़ आपको इस ऊपर वाले हिस्से में देखने को मिलेगा। और यहाँ कुछ इस लैपटॉप का स्टेप बाय स्टेप सिखाया गया है। तो ये है एक क्विक यूज़र गाइड जो कि आपको ऊपरी हिस्से में मिल जाता है। तो यहाँ कौन सी चीज़ कौन सी पोर्ट कहाँ दी गई वो सब देखने को मिलेगा। तो इसको हम यहाँ साइड में रखते हैं। और इसके अंदर एक और बॉक्स हमें देखने को मिलता है, ये देखिए, ये रहा HP का लैपटॉप। तो अब हम इस बॉक्स को भी ओपन करेंगे। यहाँ जो है कि पूरी तरह से इसकी पैकिंग की गई है, कुछ इस तरह से बॉक्स आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहाँ से आप लोगों को देखने को मिलेगा इस बॉक्स के अंदर, वैसे कुछ बढ़िया सा बॉक्स नहीं दिया है अमेजोन जो कि मुझे बुरा लगा। तो यहाँ से निकालते हैं हम अपना HP लैपटॉप। ये देखिए इसका सीध कुछ इस तरह से पैकिंग के साथ आता है, यदि आप लोग परचेस किए हो तो। इसके अलावा देखते हैं बॉक्स के अंदर आपको इस साइड और कुछ देखने को मिलता है। इसके अंदर आपको ये चार्जिंग एडाप्टर दिया गया है, ये देखिए। इसके अलावा इसमें कोई चीज़ नहीं दिया, तो इसको भी हम साइड में रखते हैं। तो इसमें है हमारा HP लैपटॉप, यहाँ आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये देखिए। तो ये अनबॉक्सिंग आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। और सिंपली यहाँ से हम अपने लैपटॉप को बाहर निकालते हैं। तो ये चीज़ दी जाती है, तो यहाँ हम इसको सजा के रख देते हैं। और ओवरऑल ये रहा हमारा लैपटॉप। तो अब हम इस लैपटॉप की बॉडी डिज़ाइनिंग के बारे में आप लोगों को बताना चाहूँगा। तो यहाँ जो है कि आपको RJ45 नेटवर्क जैक देखने को मिलता है। और इसके अलावा ये जो पिन आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये है दोस्तों HDMI पोर्ट। और जो ये दोनों देखने को मिलते हैं, ये है USB पोर्ट, ईयरफोन के लिए पोर्ट दिया गया है। आप लोगों को राइट साइड क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं, और यहाँ आप लोगों को देखने को मिलेगा मेमोरी कार्ड रीडर एंड USB पोर्ट देखने को मिलेगा। और देखने को मिलेगा आपको ऑप्टिकल ड्राइव जो कि CD ड्राइव आप लगा सकते हो। यू नो, आपके सामने मैं इसका फर्स्ट लुक दिखाना चाहूँगा, कुछ इस तरह से इसकी डिस्प्ले डिज़ाइनिंग। तो आप जैसे ही ओपन करोगे तो कुछ इस तरह से रहेगा। तो यहाँ की टच सेंसर दिया गया है दोस्तों, और यहाँ पे आपको पावर कीज़ मिल जाता है। तो फिलहाल मैं इसको करता हूँ बूट, और इसके साथ साथ मैं आपको इस लैपटॉप की स्पेसिफिकेशन भी बताऊँगा। तो चलिए बूट करते हैं आपके सामने। ओवरऑल इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं, तो इसमें आपको ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 10 का देखने को मिलेगा। कि ओवरऑल इसकी डिस्प्ले की बात करें तो इसमें आपको 15.6 इंच की फुल HD की डिस्प्ले जो कि IPS डिस्प्ले है दोस्तों। यहाँ आपको फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा जो कि 1.2 मेगापिक्सल का कैमरा है दोस्तों। और इसकी प्रोसेसर की बात करें तो इसमें आपको 7th जनरेशन i3 प्रोसेसर दिया गया है। स्पीड इसमें आपको 1.7 GHz का प्रोसेसर स्पीड देखने को मिलेगा। और रैम की बात करें तो इसमें आपको 8 GB की DDR4 वाली रैम मिल जाती है। और स्टोरेज की बात करें तो इसमें आपको 1 TB की हार्ड डिस्क ड्राइव देखने को मिल जाता है। अब इस लैपटॉप की बैटरी की बात करें तो इसमें आपको लिथियम आयोन सेल यानी 3 सेल आप लोगों को देखने को मिल जाता है। वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और इसी तरह की अनबॉक्सिंग देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसके अलावा मैं आप लोगों से एक सवाल करना चाहूँगा कि आपने इस धनतेरस में क्या चीज़ परचेस किया है, क्या चीज़ें खरीदी हैं जो कि आप लोगों की काम की है। इस धनतेरस मैंने तो ये चीज़ परचेस की है जो कि ये मेरे काम की है। आप चीज़ें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इस धनतेरस आप लोगों ने क्या परचेस किया हुआ है। तो आशा करता हूँ वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।